एथिक्स की लड़ाई है, विचारधारा की। आप इशारा कर रहे हैं विक्ट्री का, क्या जीत गए हैं? जमानत मिली नहीं है, जीत गए? मैं तो भाई विचारधारा के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई JMFC कोर्ट ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। जेल जाने के पूर्व राजा पटेरिया ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है और उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। राजा पटेरिया के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्माई है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इन पर मुकदमा दर्ज किया और मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां JMFC मुंबई की कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया और राजा पटेरिया को 26 दिसंबर तक के लिए जेल भेजा गया है। राजा पटेरिया को तत्काल प्रशासन जेल ले गया। राजा पटेरिया ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है जो जारी रहेगी। वहीं पूर्व मंत्री ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि उन्होंने वे शब्द बोले ही नहीं जो दिखाए गए हैं। तो वहीं पटेरिया के वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि धारा 115 और 117 अतिरिक्त जोड़ी गई है। ADJ कोर्ट में जमानत की अपील कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द उन्हें जमानत मिलेगी। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता को कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और उन पर इसी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। एथिक्स की लड़ाई है, विचारधारा की। आप इशारा कर रहे हैं विक्ट्री का, क्या जीत गए हैं? जमानत मिली नहीं है, जीत गए? मैं तो भाई विचारधारा के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। थोड़ा किनारे हो जाए, जो कुछ भी है। हाँ, इस देश में संविधान रहे, न्याय रहे, माइनॉरिटी, ट्राइब्स, दलित। आपको जमानत नहीं मिली है, इसके लिए क्या कहेंगे? मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे न्यायालय ने जो आदेश दिया उसी। आपने जो बोला है वो सही बोला है? मैंने कहीं किसी किस्म की ऐसी बात नहीं कही जिसपे इतनी बड़ी कोई चीज बनती हुई। मैं गांधी का अनुयायी हूँ, गांधी को जीता हूँ। आपने जो कहा सच कहा? मैंने जो वो शब्द बोले ही नहीं है जो वहाँ दिखाए गए। अच्छा,